क्या कहना है आपका किसानों के बारे में? किसानों को मेरा यही कहना है कि जिनने लोन लिया उनको तो दे दिया, जिनने नहीं लिया उनके लिए क्या ऑप्शन है? किसान तो वो भी है कि जिनने कर्ज लिया, और किसान वो भी है कि जिसने नहीं लिया। तो फिर इस मामले में प्रशासन ने क्या क्या फैसला करना चाहिए? तो प्रशासन ने ये करना चाहिए कि भैया सभी को सही मापदंड में हकेलना चाहिए कि भैया जिसका जैसी खेती है उसको प्रोत्साहन राशि दे, यार जो भी मिलना चाहिए, जो नहीं ले रहे उनके लिए क्या है भाई, हमको ये बताओ। और छोटा कोई व्यापारी भी अगर है तो उसको भी बेचारे को मिलना चाहिए। हाँ सही बात। तो फिर इसमें क्या होता है, कई बार भ्रष्टाचार हो जाता है, पैसा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये शासन का काम है, दायित्व है। कि अभी कमलनाथ ने बोला था कि भैया कई लोगों के ऋण नहीं है, उनके खाते में ऋण के नाम पे करोड़ों रुपए के राशि बता रहे, तो हम बक्सा नहीं जाएगा बोल रहे, तो अब ये क्या सीमांत एवं छोटे व्यापारियों को भी प्राथमिकता मिलना चाहिए। और किसान किस स्थिति में है, जितने समय पानी नहीं आया है अभी कुछ सालों अभी से, तो आप देख किसानों की स्थिति ऐसी है कि 4 साल से उसको लागत का कुछ भी नहीं मिल रहा, 5 साल हो गए और सोयाबीन 50 रुपए से लेके अभी 30-32 ही बिक रही है। वो हुई थी कभी कोई जमाने में, अभी तो 30-32 और 35, और उत्पादन भी कम हो रहा है और लागत भी कम हो रही है। तो किसान करे तो करे क्या इसी स्थिति में? किसान को क्या, हमारा ये है गवर्नमेंट से कि किसानों को वो अंडरटेकिंग कर ले कि भैया हम आपको बंधुआ मजदूरी देंगे, जो उत्पादन हो रहा है हम नौकर रहेंगे, वो बोलेंगे कि भैया गेहूं बो, ये करो वो करो, तो हम करने को तैयार। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ये सरकार के लिए पूरा काम कर ले। हाँ। कि खेती में इतना इतनी चीज हो रही वो है, बोल रहे ना कि 1 एकड़ में 25 क्विंटल उत्पादन हो रहा है, तो वो पका है, हम तो सिर्फ बंधुआ मजदूर रहेंगे कि भैया हमको जो भी देना है हमको 150-200 रुपए पर डे, और परिवार के 10 लोग भी काम करेंगे तो उनका वो पारिश्रमिक भुगतान कर दे, और जो फसल आएगी हम उनको दे देंगे, आप वो भावांतरण में लगाओ या कहीं लगाओ। और फिर जो जो 1 एकड़ के हिसाब से जो पैसा मिलना चाहिए वो भी पैसा देना चाहिए, हिसाब से पैसा हमको दे दे गवर्नमेंट। अच्छा। अभी मोदी जी ने भी बोला था कि हम ये कोई खाते में नहीं डालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपको सीधा बुआई के टाइम में, काटने के टाइम में सब दे दे। चलो ठीक है, ये सब चीज ठीक है। तो ये, और जिसके पास में खेती नहीं है, कुछ नहीं, नहीं है, तो उसका क्या हो रहा है? अलग से स्कीम लॉन्च करो ना, हम ये नहीं बोल रहे कि भाई उनके लिए कुछ मत करो, उनके भी लिए करो ना भाई, जो भूमिहीन है उनके भी लिए स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की। अब कई लोग ऐसे है जो एक समय का खाना नहीं खा पा रहे अभी हिंदुस्तान के अंदर। तो ये गलत बात, क्योंकि मोदी जी ने रुपए किलो में गल्ला दे दिया है, तो ऐसा तो ये कोई ही नहीं है, ये गलत बात है यार। तो ये योजना से क्या लग रहा है आपको? अच्छा, 1 रुपए किलो से आपको गेहूं अनाज दिया जा रहा है, तो लोग आलसी नहीं बन रहे इसमें? आलसी हो रहा है, लोग काम नहीं करना चाहते। अभी पंचायत की इतनी सारी स्कीम चल रही है टास्क दर पे, मेरी बात सुनना, तो वो लोग कहीं नहीं 10 रुपए का काम नहीं कर रहे, और वो बोलते तो कि हमको इतना मिलना चाहिए, तो ये गलत। तो सर आपका नाम तो होता ही है, क्या नाम है? मेरा पंडित पटेल बाकुड़। सर आपसे एक और विनती है कि यानी इस मामले में ये सब कार्य कैसे हो, तो इसका कैसा निराकरण करना चाहिए सरकार ने, ऐसा कुछ आपके पास में कोई थीम है क्या इसके बारे में? इसके बारे में तो मेरे को टीम है कि भैया कार्य की गुणवत्ता होना चाहिए, कि आप उसको कार्य इतना दो कि इतना करना है, तो इससे क्या देश का विकास भी होगा और सारी चीज सुधरेगी, सभी चीजें सुधरेगी। क्योंकि लोग तो ये सोचते हैं पंचायत का है 40% मैनुअल सिस्टम से काम करना है, बाकी ये करना है, तो लोग क्या बोलते हैं, जो मेट है वहाँ तो बोलता है भैया आप काम करो, तो बोलता है आपके घर से दे रहे क्या है? जो मेट है, यदि वर्कर काम नहीं कर रहा तो वो क्या बोल रहा है कि आपके घर से दे रहे क्या,
इसमें देश का विकास नहीं होगा बल्कि। तो आप क्या सोच रहे हो इस मामले में कैसी लड़ाई करना चाहिए आपको सर? इसके अलावा मैं कड़ाई का ये बोल रहा कि आपको यदि 40% मजदूर को देना है तो उनको घर को ही ले जाके दे दो पैसा, कि आप काम पे भी मत आओ और कोई समय व्यर्थ मत करो। तो फिर इससे तो और ज्यादा आलसी हो जाएंगे फिर। आलसी तो आप कर ही रहे ना, गवर्नमेंट रुपए किलो में गल्ला दे रही है और पंचायत में जाए तो 10 रुपए का काम नहीं करते हैं और क्या करें, ना मेट बोल सकता, ना सचिव बोल सकता, ना सरपंच बोल सकता।